हे गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक केयर में। तो आज हम बात करने वाले हैं थंबनेल मेकर ऐप के बारे में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है अल्टीमेट थंबनेल मेकर। यार, हर एक को वीडियो पे थंबनेल की ज़रूरत होती है, तो आज सीखते हैं हम थंबनेल बनाते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐप आप ओपन करते ही आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। करना क्या है, यहाँ पे रेडीमेड पे क्लिक करना है आपको। मैंने रेडीमेड पे क्लिक कर लिया। ये देखो, रेडीमेड पे क्लिक करके ही आप ऐसे इंटरफेस पे आ जाओगे। यार, ऐड यहाँ पे आते हैं थोड़े से ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फेसबुक के लिए बनानी हो, यूट्यूब के लिए बनानी हो, कवर फोटो यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, गूगल के लिए, किसी भी सोशल मीडिया के लिए कोई भी थंबनेल बनानी हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो हमें यूट्यूब के लिए बनानी है तो हम यूट्यूब पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप YouTube पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर रेडीमेड जो थंबनेल्स बहुत सारी मिल जाएंगे। जो थंबनेल आपको चाहिए, जिस टाइप की आपको चाहिए, फिटनेस की, लव की, बिजनेस की, किसी और फूड की, बिजनेस कुछ भी चाहिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो हम अभी फूड की ही एक ले लेंगे। तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो आप पहुँच जाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे पहुँच के हम आपको करना है क्या है, जो टेक्स्ट है इसको चेंज करना है। अपने जो आपको टेक्स्ट लिखना है वही टेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा। आप अगर चाहिए तो बैकग्राउंड में आप नीचे देख सकते हो, वहाँ से आप चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड, यानी कि फ़ोटो भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको टेक्स्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, वो भी दिखा लूँगा आपको। पहले मैं टेक्स्ट लिख लूँ कुछ थोड़ा सा। यार, मैंने ए बी सी डी ई लिखा है यहाँ पे। तो ए बी सी डी ई का नीचे आप देख सकते हो फॉन्ट्स लिखा है। फॉन्ट्स में आप तो नीचे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो अब मैं जाता हूँ अभी फॉन्ट्स में। फॉन्ट्स में आप देख सकते हो कितने सारे फॉन्ट्स यहाँ पे है मौजूद। यहाँ पे फॉन्ट्स है तो आप इसमें देख सकते हो बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ पे मौजूद है। आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी फॉन्ट आप लगा सकते हो। उसके बाद आता है कलर एंड स्पेस। तो यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का आराम से, और स्पेस, लेटर स्पेस आती है या वर्ड स्पेस आती है। तो उसके बाद हम जाएंगे कैपेसिटी की ओर। कैपेसिटी होता है कलर कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी रखनी है कलर की। तो ठीक है, यहाँ पे आप ये समझ लिया होगा। उसके बाद आता है शेडो। शेडो होता है मतलब वर्ड के पीछे आपको शेडो रखना है वर्ड का या नहीं रखना है, वो भी आप यहाँ से रख सकते हो। उसके बाद आती है आउटलाइन। आउटलाइन क्या रखोगे आप, किस कलर के रखोगे, वो आप चेंज कर सकते हो। आउटलाइन रखोगे या नहीं रखोगे चेंज, इससे आपको वर्ड ना थोड़ा दिखाई देता है आउटलाइन से, इसलिए आउटलाइन रखी जाती है। तो उसके बाद आता है आउटलाइन के बाद हम जाएंगे बैकग्राउंड की ओर। तो चलिए बैकग्राउंड की ओर चलते हैं। बैकग्राउंड में आप देखते ही देख सकते हो कि टेक्स्ट बैकग्राउंड है। आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। आप चाहे तो बैकग्राउंड रखो, आप ना चाहे तो बैकग्राउंड ना रखो, कोई भी बैकग्राउंड। यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड दिए गए हुए हैं, तो आप चाहिए तो बैकग्राउंड रख सकते हो, नहीं चाहो तो बैकग्राउंड नहीं भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही रख लेता हूँ ये फिलहाल। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये सेट कर लिया। तो मैं दूसरा टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। तो कोई भी टेक्स्ट आप चाहो तो कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे AX ऐड कर लिया। तो इसका भी फॉन्ट चेंज कर लूँगा वैसे ही जैसे मैंने पहले ही दिखाया था, ऐसे ही कुछ चेंज कर लूँगा, कलर चेंज कर लूँगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है, और ऐसे ही करते रहोगे। तो जो कलर आपको पसंद आए, जो बैकग्राउंड आपको पसंद आए वो रखो इसका। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें बैकग्राउंड थोड़ा सा रखा है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा बंद रखा है। तो देख सकते हो ये मतलब ऐसे ही आप जो टाइप आपको पसंद आए वैसे ही करना। बाकी तो यार थंबनेल ऐसे ही बनाई जाती है, और थंबनेल में ऐसे ही रखना कैसे है उसके लिए मैं वीडियो आगे बनाऊंगा, और मैं शेयर भी करूंगा थंबनेल रखी कैसी जाती है यूट्यूब के ऊपर। तो उसके लिए मैं वीडियो बना के रखूंगा। फिलहाल आप थंबनेल बनाते कैसे हैं वो देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप चाहे तो इसमें एक इमेज और कोई इमेज भी मतलब रखना चाहो तो इसमें आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई इमेज रख लेता हूँ फिलहाल। तो मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली, तो कश्मीर में पहले ही।
तो ये वाली इमेज मैंने सिलेक्ट कर ली है और यहाँ पे रख सकता हूँ। ये आप चाहो तो कहीं पे भी रख सकते हो, टेक्स्ट इसके ऊपर चढ़ाना चाहो तो चढ़ा सकते हो, उसके नीचे चढ़ाना चाहो तो चढ़ा सकते हो। तो मैंने ये वाली इमेज यहाँ पे रख ली है, तो ये हो गई मेरी थंबनेल तैयार, तो हो गई सेव भी। अब ये थंबनेल सेव हो चुकी है मेरी। अब आप चाहे तो इससे थंबनेल को किसी यूट्यूब पे चढ़ा सकते हो, किसी भी वीडियो पे रख सकते हो, अब नीचे देख सकते हो, शेयर यहाँ पे से ही कर सकते हैं हम, किसी भी चीज़ को भी, किसी को भी शेयर करनी हो तो शेयर कर सकते हो। तो आखिर में मैं यहाँ पर बात आपको ये कर, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।